पर्चा नंबर 67 मेवा बाबूलाल योगी पुष्कर से हैं, पुष्कर अजमेर से। इनको 6.5 साल की छोटी गुड़िया 6.5 साल और 6.5 साल से आशीर्वाद का इंतजार है। तो पिछले महीने आए थे, 15 दिन में रिजल्ट मिल गया जी। 25 फरवरी को आए थे हम और 26 से दवाई चालू करी और 10 तारीख को बंद कर दी। 15 दिन में रिजल्ट मिला हमारे को। ऐसा कोई स्थान नहीं है पूरे दुनिया के अंदर, अद्भुत चमत्कारिक हमारे साथ हुआ है। हमारे को तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया था एक बार कि आपके बच्चा नहीं लगेगा। डॉक्टर ने एक बार बोला है हमारे को ऐसा नहीं लगेगा, उसने क्लियर मना लिख के दिया मेरे को कि आपके बच्चा नहीं लगेगा। तो ये साइंस को चैलेंज है, साइंस को चैलेंज है गुरुदेव। ये देखिए ये अद्भुत है कि अगर एलोपैथिक ने में मना हो गया, साइंस ने मना कर दिया कि आपको बच्चा नहीं होगा और यहाँ पे आते ही 15 दिन में। ये अद्भुत है, यहाँ की लाल धागा, यहाँ की आशीर्वाद, यहाँ की दवा मृत संजीवनी से कम नहीं है। जैसे ही लेते हैं और आशीर्वाद होने शुरू हो जाते हैं। तो आपने बाबूलाल जी 6.5 साल में कितने समय तक इलाज लिए? हमने 2 साल तो अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया गुरुदेव, और उसके अलावा जो देवी देवता बताते थे सब जगह जाते थे। और डॉक्टर भी यही कहते थे ठीक है, उनका जो होना टेबलेट दे देते, बोले हम तो प्रयास कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर बोले हम भगवान नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। तो भगवान तो महाराज जी भी नहीं है, भैरुनाथ की कृपा है, आशीर्वाद है, सच्चे मन से आए हैं। तो हमारा 15 दिन में काम हो गया। 25 फरवरी को आए थे और हमारे को तो ऐसा लग रहा था गुरुदेव यहाँ से गए थे जब कि वापस कब चले, मन के अंदर ऐसा भाव था ऑटोमेटिक। हम वहां पुष्कर नहीं पहुंचे उससे पहले हमारे मन में भावना आने लग गई कि वापस कैसे चले। ऐसे कई बार ऐसे होता था कि अपन तो नहीं है तो भी चले, एक बार दर्शन करे चले। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमारे को 3 हफ्ते में बुला लिया। बोले साचे दरबार की। देखिए इनकी तरह आप भी, मैं कहता रहता हूँ माताओं बहनों को कि बहुत सारे लोग हमारे लिए नकारात्मक चीजें बोलते रहते हैं, इसलिए ऐसा अपना भाव कम मत करना। जैसे बाबूलाल जी का भाव था वैसे ही भगवान ने 15 दिन में रिजल्ट दे दिया। और अगला रिजल्ट जो इनको बच्चे के रूप में आने वाला है, निश्चित बच्चा आएगा निश्चित दरबार में। 3 गुड़िया इनको 6.5 साल 6.5 सालों में कई कई जगह इन्होंने इलाज कराए और यहाँ भी धरती पे पैर रखे, यहाँ का आशीर्वाद लिए और 15 दिन में इनको आशीर्वाद हो गया। और निश्चित ही भावना के भाई आएगा ऐसा हमारा आशीर्वाद है और दरबार से हमारा संकल्प है कि हे मालिक हे गुरुदेव ऐसा ही हो कि गुड़िया अपने भाई को लेकर हमारे से आशीर्वाद दिलाने दरबार में शुक्रिया अदा करने आए, ऐसा हमारा भाव है। तो आप करते क्या हो बाबूलाल जी? मेरा एक्सपोर्ट का काम है गुरुदेव, बाहर माल जाता है विदेशों में, करीबन 15 से 20 कंट्री में माल जाता है। मेरा रेडीमेड गारमेंट का काम है, पुष्कर में फैक्ट्री है मेरी। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो आपको यहाँ पे कैसे विश्वास हो गया यहाँ चले? और यहाँ आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियो आते रहते हैं सर, हमने वीडियो देख रहे थे 8 नवंबर से। फिर उसके बाद में देखो मैं आपको सत्य बताऊं, मैंने भी यहाँ आसपास में फोन किया था तो उन लोगों की जो विचार थे वो नेगेटिव थे। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, आज उन लोगों के नेगेटिव थे, लेकिन हमने वीडियो देखना कंटिन्यू रखा, उससे जुड़े रहे हम। और फिर जिस दिन बाबा का बुलावा था तो हम खुद ही ऑटोमेटिक हमारे मन में ऐसे आ रहा था कि अब तो अपने को चलना ही है, चाहे कुछ भी हो चलना ही है। और हम वैसे नॉर्मली यहाँ आते हैं तो 3 घंटा लगता है, जिस दिन हम आए पुष्कर से उस दिन हम 1.5-2 घंटे के अंदर यहाँ पहुंच गए। अब हमारे को पता नहीं हम कैसे पहुंचे। फिर मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारा कोई मिलने वाला था, उसके बच्चा हुआ, उसी दिन उसने मेरे को फोन करके खुशखबरी दी कि मेरे बच्चा हुआ है। फिर मैं यहाँ पंडाल में बैठा था, उसकी माँ का फोन आता है कि हमारे बच्चा हुआ है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके भी बच्चा हो, भगवान आपको भी बच्चा दो। तो एक पॉजिटिविटी बता रहा हूँ मैं आपको, जो हमारे साथ उस दिन घटना घटी ना, मतलब यहाँ पंडाल में बैठा था उस समय भी वो फोन करके हमारे को खुशखबरी दे रहे थे कि बच्चा हुआ। ये संकेत होते हैं ईश्वर जब अपन को आशीर्वाद देता है तो पॉजिटिव संकेत होते हैं, वो बराबर मिल रहे थे वहां। तो हमारे को पूरा विश्वास था भैरुनाथ के ऊपर, आपके ऊपर। मैं तो कहता हूँ, कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। जिन माताओं बहनों को मैं तो यही आह्वान करता हूँ कि एक बार यहाँ जरूर आए, किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के कहने से बिल्कुल नहीं रुके, यहाँ आके आशीर्वाद जरूर ले, आपको जरूर फल मिलेगा। बोले साचे दरबार की। देखिए इतने बड़े बिजनेसमैन है बाबूलाल जी और यहाँ के धरती पर आए, इनको घर से ही पॉजिटिव ऊर्जा बनी
और यहाँ पे आए और 15 दिन में आशीर्वाद हुआ। और अब देखिए, मैंने 15 दिन लिए, इसने 10 दिन ली, मैंने 15 दिन ली। अच्छा, हाँ पानी वाली 5-7 दिन ली। और देखिए इनकी रिपोर्ट में ट्यूब भी बंद बताई थी, और भी आपने कुछ अंडे नहीं बनने जैसा इश्यू कुछ था, तो सारे इश्यू ठीक हुए और आशीर्वाद हुआ। और अब देखिए दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि बच्चा ही होने की कोई गारंटी हो, लेकिन यहाँ का देखिए आप अद्भुत, आप मान के चलिए 1% आपके भाग्य और कर्म है, बाकी मैं मुझे लग रहा है ऐसा कि निश्चित आपकी गोद में बच्चा आएगा, इसी दरबार में हम उनको आशीर्वाद देंगे, इसी दरबार जबले लाल धागे वाले बाबा की। आप थोड़ा सा गो माता के दान का संकल्प करके जाना, आपकी इच्छा हो जो अभी करके जाना, मैं ऐसा आपके बच्चे के लिए मैं संकल्प करता हूँ मालिक, जैसे तुमने 15 दिन में आशीर्वाद दिए हैं वैसे ही इन बहनों को भी एक भाई के रूप में भगवान भैरुनाथ का भक्त लाके देना, ऐसा ही हमारा संकल्प है। तो आप सभी लोग बैठे हैं तो उनको जहाँ तक आपकी आवाज जाए, तो आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आज सुबह से ही हमारे यहाँ नेगेटिविटी कर रहे थे, कुछ लोग बाहर से भी लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से बहुत सारी माताओं बहनों को फायदा होगा, क्योंकि आपने खुल के बताया है कि मुझे रिजल्ट मिला है। अभी हमारे बीच कुछ लोगों के इतने रिजल्ट हैं फिर भी घर बैठे हुए हैं, उनको एक भय सा है कि पता नहीं हम वहाँ जाएंगे कोई हमें देख लेगा, ऐसा नकारात्मक चीजें हैं। लेकिन हम भी तो वीडियो देख के आए हैं ना गुरुदेव, दूसरों के वीडियो देख के तो हम आए, तो उसमें कहाँ तकलीफ है। अगर अपने वीडियो से अगर किसी का भला होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। और अपन तो आए तो भगवान के दरबार में आए हैं, कहीं दूसरी जगह तो गए नहीं, तो भगवान के दरबार आने में क्या शर्म है। हमें बिल्कुल शर्म नहीं है भगवान के दरबार में आने, एक बार नहीं, मैं तो बाबा को कहता हूँ मैं तो 9 महीने हर महीने आऊंगा बाबा के दरबार में। बहुत बहुत आशीर्वाद बाबूलाल जी, आपने जैसा संकल्प किया है मालिक वैसी ही शक्ति वैसी ही सामर्थ्य आपको बनाए रखे, और आपको आशीर्वाद के रूप में बच्चा ही आए, ऐसा हमारा संकल्प है, ऐसा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं कह रहा था काफी समय से हमारे बीच ऐसे ब्राह्मण आएंगे तो हमारी गौशाला की सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। हम काफी समय से संकल्प किए बैठे हैं कि हमारे बीच ऐसे रिजल्ट आएंगे भगवान भैरुनाथ लेके आएंगे उनको, और हमारे गायों के लिए जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा। आज हमारे बीच बाबूलाल जी योगी पुष्कर से, हमारी धाम है जो राजस्थान की जानी मानी पुष्कर की धाम है, जो तीर्थ राज है यहाँ का, यहाँ से आए हैं, और इनका संकल्प है कि आपकी गौशाला का टोटल जो गायों का और वहां का कंस्ट्रक्शन का जो निर्माण होगा उसका 1/4 ये मदद करेंगे हमारी। बोले साचे दरबार की, बोले लाल धागे वाले बाबा की। जितना भी वहां का बनेगा उसका 1/4 भाग बाबूलाल जी हमारी मदद करेंगे। मालिक से निवेदन है कि इसी दान इसी पुण्य का फल हमारी गुड़िया को बहनों के रूप में, भाई के रूप में, तीनों बहनों को भाई के रूप में आशीर्वाद हो।